जी पानी पूरी बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ का हमको, और यहाँ का टेस्ट बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है टेस्ट। और अलग अलग पानी पूरी यहाँ पर, अलग अलग वैरायटी का पानी पूरी अवेलेबल है। पुलिस, आर्मी और डॉक्टर के लिए 1 प्लेट पर डे फ्री की है। टेस्ट बहुत अच्छा था, मस्त लगा। अब जब भी बक्सर आएंगे तो यहाँ पे जरूर आएंगे खाने के लिए। बाहर से आए हुए हैं? हाँ। कहाँ से? 20 किलोमीटर दूर से आए हैं। अभी बक्सर में ही है, लेकिन अभी कोमिंग सुन में सासाराम में है, वो वहाँ पे सेकेंड आउटलेट ओपन वाला। अगर 10 में से कितना 10% रहेगा तो आप कितना परसेंट देना चाहेंगे? 10 में 10, वाह, गुड, मतलब गुड रिव्यू है। हम जॉब टेकर नहीं बनना चाहते थे, जॉब क्रिएटर बनना चाहते। ये स्टॉल को हम खड़ा करने में करीबन 1 साल लग गया। नमस्ते प्रणाम, मैं राज सिंह। आप सबों को बता दूं कि आज बक्सर के एक चौक, जो सब बक्सर का सबसे बड़ा चौक है, ज्योति चौक पर स्थित है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं एक रास्ता जो शहर को जोड़ता है, और इधर का जो रास्ता है यह स्टेशन को, और इसके पीछे का जो रास्ता है ये सीधे बाईपास रोड को जोड़ता है। और इसी ज्योति चौक पर स्थित एक स्पाइसी पानी पूरी वाला, जो बक्सर में अभी अभी टाइम हो रहा है 7:15, मतलब रात हो गई है, फिर भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे मिलकर हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे, और आपने अभी पानी पूरी खाया कैसा लगा? जी टेस्ट में तो बहुत अच्छा था। और ये 16 तारीख को इनका ओपनिंग हुआ, मैं उस दिन भी आया था यहाँ पे, आए हुए थे जी, उस दिन भी मैं आया था। 16 तारीख को ओपनिंग हुआ था, इसी महीने के? जी जी, इसी महीने, इसी महीने के 16 तारीख को ओपनिंग हुआ, और यहाँ पे अच्छा खासा भीड़ अभी लगा हुआ था, कुछ देर पहले वो भीड़ निकल चुकी है, फिर भी यहाँ पे अच्छा खासा भीड़ उपस्थित है। तो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, आइए थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। थोड़ा इधर देखिएगा, क्या नाम होगा आपका? मिस्टर भोला कुशवाहा। क्या बोले? मिस्टर भोला कुशवाहा। भोला कुशवाहा, तो ये स्टॉल कितने दिनों से लगा हुआ है? अभी बस मतलब आज 11-12 दिन हो गए हैं। 11-12 दिन हुआ लगभग, तो कैसा चल रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा, परफेक्ट। तो यहाँ के जो युवा हैं, जिसको इसने खड़ा किया है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और किस तरीके से इस मुकाम को हासिल किए हैं, और इतनी बड़ी स्टॉल किस तरीके से, ये एकदम युवा है, और इनसे आइए बात करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या कैसे कैसे हुई है इनके साथ, ये स्टॉल को खड़ा करने में कितनी संघर्ष की कहानियाँ उत्पन्न हुई हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अमरजीत कुमार है। अमरजीत कुमार जी, जी अमरजीत कुमार जी, तो ये स्टॉल आप कैसे खड़ा किए, किस तरीके से आपको लगा कि हमें स्टॉल खड़ा करना चाहिए? ये स्टॉल को हम खड़ा करने में करीबन 1 साल लग गया है। 1 साल लगा था इसको मैनेजमेंट प्रॉपर मार्केट में लाने में, करीबन 1 साल लग गया है, और अभी जो आप देख रहे हैं ये हमारे 1 साल का मेहनत है। ये स्टॉल बनाने में मतलब कुछ पीछे की कहानी 1 साल की है, तब जाकर ये स्टॉल लगा हुआ है अभी। हाँ, कैसा चल रहा है अभी? तो मार्केट में अच्छा रिस्पांस है, कस्टमर क्या कह रहे हैं? अच्छा रिव्यू दे रहे हैं अभी। बढ़िया है, अभी तो बढ़िया है। तो आपको कैसे लगा, कितना तक पढ़ाई की हुई है अभी? अभी मैं BCom सेकेंड ईयर में हूँ। BCom किए हुए हैं, मतलब एक पढ़े लिखे हुआ है आप, और स्टॉल क्यों लगाए? पढ़े लिखे हुआ स्टॉल क्यों लगाए? जॉब के लिए आप तैयारी कर सकते थे अच्छा सा? देखिए, हम जॉब टेकर नहीं बनना चाहते थे, जॉब क्रिएटर बनना चाहते थे। मतलब मेरा बचपन से ही माइंड सेट था, मेरा फैमिली भी बिजनेस बैकग्राउंड से है, और मुझको जॉब देने वाला बनना है, यानी कि लेने वाला बनना है। तो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग है, तो मैं दो लोगों को। आपकी एज क्या होगी अभी? अभी मेरी एज 18-19 है। 18 साल के हैं, एकदम युवा हैं, और जिस उम्र में आप इनको पढ़ाई करनी चाहिए, जॉब की तैयारी करनी चाहिए, उस उम्र में स्टॉल लगा करके और काफ़ी अपने बिजनेस को डेवलप करने की बात सोच रहे हैं। कहाँ तक अभी बिजनेस अभी बक्सर में ही है कि और कहीं इसका ओपनिंग हो चुका है? अभी बक्सर में ही है, लेकिन अभी कोमिंग सुन में सासाराम में है, वो वहाँ पे सेकेंड आउटलेट ओपन वाला। मतलब सेकेंड आउटलेट आपका सासाराम में लगने वाला? हाँ हाँ, उसकी प्लानिंग चल रही है? प्लानिंग प्रॉपर हो गया है, कुछ टाइमिंग लगेगा अभी 15-20 दिन के आसपास में, इसके बाद मान के चलिए कि 15 अक्टूबर से ओपनिंग वहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, 15 अक्टूबर से वहाँ की ओपनिंग हो जाएगी। एक बाबू है जो अभी यहाँ पानी पूरी खाया है, कैसा स्वाद लगा बाबू आपको? अच्छा लगा, स्वाद बहुत मस्त है, अच्छा है। अगर 10 में से कितना 10% रहेगा तो आप कितना परसेंट देना चाहेंगे? 10 में 10, वाह, गुड, मतलब गुड रिव्यू है, 10 में 10 बाबू देने का प्रयास करेगा। क्या नाम है बाबू आपका? ओजस्व। ओजस्व, कहाँ घर है आपका?
वीर कुंवर सिंह कॉलोनी। वीर कुंवर सिंह कॉलोनी, यहाँ पे किसके साथ आप यहाँ पे खाने के लिए आए थे? अपने पापा के साथ आए थे। पापा जी भी खाए? पापा जी नहीं खाए, आपको खिलाने के लिए लाए थे। तो जैसा रिव्यू मिल रहा है, और भी लोग हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भैया है, आप भी यहाँ पे टेस्ट किए? नहीं, हमने किए बाबू। टेस्ट नहीं किए? बाबू टेस्ट किया है। अच्छा, आप लोग टेस्ट कर लिए सर? अभी करने वाले हैं। टेस्ट करके बताइए कि कैसा टेस्ट लग रहा है। जी बिल्कुल। और इसके लिए अभी थोड़ा सा बने रहते हैं वीडियो में, आगे और भी लोग हैं। आइए थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, और भी लोग हैं इधर। आप लोग टेस्ट किए हैं ना? अभी अभी करेंगे, अभी टेस्ट करेंगे। अभी टेस्ट नहीं किए? ना ना अभी टेस्ट। अच्छा चलिए, अभी टेस्ट करने वाले हैं। भीड़ तो आप देख ही रहे हैं। और क्या नाम है भैया आपका? बबलू कुमार गुप्ता। बबलू कुमार जी हैं, और यहाँ पे यही बनाते हैं। आप दिखा दीजिए किस तरीके से बनाते हैं और लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं। इन सबों में सबसे अहम रोल जिनका है, उनका नाम है अमरजीत कुमार, जो यहाँ के फाउंडर है, और को फाउंडर जो है सचिन कुमार जी हैं। विशेष जो लोग यहाँ पे अभी टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट करने के बाद हम उन लोगों से फिर से बात करेंगे। और सुविधाएं भी दी गई हैं, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, पुलिस आर्मी डॉक्टर लाइफ टाइम फ्री, 24x7 365 दिन, 1 प्लेट फ्री। इसका मतलब क्या है फाउंडर से समझने का प्रयास करेंगे। आ जाइए आप, अमरजीत जी जो फाउंडर हैं यहाँ के, इसका क्या मतलब है सर, पुलिस आर्मी और डॉक्टर के लिए लाइफ टाइम फ्री, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि मतलब प्रॉपर हम लोग पुलिस आर्मी और डॉक्टर के लिए 1 प्लेट पर डे फ्री किए हुए हैं। वन प्लेट पर डे फ्री है पुलिस, डॉक्टर और आर्मी के लिए। मतलब सेवाएं दे रहे हैं, जो यहाँ देश की सेवा कर रहा है उसके लिए 1 प्लेट इंजॉय करने के लिए आप खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और दूसरे को भी इसका प्रलोभन दे सकते हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं। हाँ, यही चीज़ है। चलिए धन्यवाद, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ये एक भैया है, और अभी इन्होंने पानी पूरी का सेवन किया, कैसा लगा आपको टेस्ट? टेस्ट बहुत अच्छा था, मस्त लगा। अब जब भी बक्सर आएंगे तो यहाँ पे जरूर आएंगे खाने के लिए। बाहर से आए हुए हैं? हाँ। कहाँ से? 20 किलोमीटर दूर से आए हैं। 20 किलोमीटर दूर से आए हुए? कौन से गांव से? मुंगासी गांव है। अच्छा अच्छा, वहाँ से आए हैं चल करके यहाँ पे, तो मतलब इसी रास्ते से जा रहे थे तो देखे तो थोड़ा खाने का मन किया, आ गए खाने। पहली बार आए हुए? हाँ, लेकिन अब आगे से आएंगे तो यहाँ पे जरूर आएंगे खाने। टेस्टी है? बहुत अच्छा है। क्या रिव्यू देना चाहेंगे? मस्त मस्त है। चलिए बहुत अच्छा। आपको यहाँ का पानी पूरी? हाँ सर, हमने तो बहुत अच्छा लगा, खाने में अच्छा लगा, टेस्टी था। हाँ बहुत टेस्टी था। अभी अभी खाया? जी जी जी, बहुत बढ़िया था, अच्छा लगा। हाँ, बहुत लोग आए, अच्छा लगेगा। आप लोग अभी अभी नहीं मिला है? अभी ले ट्राई कर रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं अभी लोग, और बने रहिए वीडियो में। अभी आप लोग पानी पूरी खाए, कैसा लगा? जी पानी पूरी बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ का हमको, और यहाँ का टेस्ट बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है टेस्ट। और अलग अलग पानी पूरी, आप अलग अलग वैरायटी का पानी पूरी अवेलेबल है, तो कौन सा वाला आप लोग खाए? हम लोग खाए फायर पानी पूरी। जो अच्छा अच्छा, आप कौन सा खाए? वही आगे वाला। आगे वाला? हाँ। तो कैसा लगा आपको? सबसे बढ़िया, मस्त है एकदम। क्या रिव्यू देना चाहेंगे जनता को? हम क्या, हम तो बताएंगे एक बार जरूर सेवा आकर दे यहाँ पे, मस्त है। फाइव स्टार एकदम बढ़िया बना रहे भैया। अच्छा, इधर भी भैया लोग खड़े हैं, आप लोग खा लिए? अभी वैसा अभी खाए नहीं है। अभी खाए नहीं है? आप अभी खाने वाले हैं? अभी खाने वाले हैं। तो चलिए।